वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चीज़ बर्गर स्लाइडर्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास एक वॉक है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं, और यहाँ एक बड़ा सा पैन है, इसका भी चूल्हा ऑन कर देते हैं। अब यहाँ वॉक में डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल, और अब इसमें हम डाल देंगे कीमा। कीमा हमारा है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास, जो कि वॉश्ड एंड ड्राई है। अब आ जाते हैं इस पैन की तरफ। फ्लेम हमने हाई रखी है, लेकिन चूल्हा हमारा छोटा है और ये वाली भी फ्लेम हाई ही है। तो इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल, और इसमें हम अपनी प्याज़ों को सॉटे करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक बड़ी वाइट अनियन है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, और एक दरमियानी साइज़ की रेड अनियन थी उसको भी स्लाइस कर दिया है। अब आपको जैसे काटना हो काटे, और इसको अब हम सॉटे करेंगे। सॉटे मतलब थोड़ा सा कार्मलाइज हो और सॉफ्ट हो जाए, ऐसी करेंगे। लच्छों को खोल लेंगे। अब ये फुल फ्लेम है, छोटा चूल्हा है, तो ये आराम आराम से होती जाएगी, कोई इसमें रश नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते रहेंगे, इसको घुमा फिरा लेते हैं। यहाँ कीमे का कलर थोड़ा बहुत चेंज होता जा रहा है, उस दौरान हम मसाले आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 2 टीस्पून अनियन पाउडर, अगर ना हो तो बारीक बारीक अनियन ग्रेट करके डाल सकते हैं। 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, इसकी जगह पेस्ट डाला जा सकता है। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, अगर चाहें तो पेपरिका पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून ओरिगैनो, चाहे तो इटालियन सीजनिंग डाल दें, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर है। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और 4 टेबलस्पून के आसपास वर्सेशायर सॉस, अगर ना हो तो स्किप करें। इसको मिला लेंगे अच्छे से। प्याजों को उलट पुलट देते हैं। चले ये सॉटे हो रही हैं, ये कीमा हमारा कुक हो रहा है, इस दौरान हम इसका एक अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए मैंने 5 टेबलस्पून भर के मेयो लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून टमाटो केचप, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के मस्टर्ड पेस्ट, ना हो तो स्किप करें। इसकी जगह अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सिरका डाल दें या लेमन जूस डाल दें। और ये है मेरा हॉट सॉस, जो कि है टबेस्को एंड सराचा मिक्स। तो ये अभी मैं 1 टेबलस्पून डालती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी मैं किस तरह यूज़ करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सॉस बनके रेडी हो गया है। प्याज़ों को उलट पुलट देते हैं। हबी को तो इतना अच्छी लगती है सॉटेड अनियन कि वो मीट से ज़्यादा अनियन में इंटरेस्टेड होते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई है। अगर आप यहाँ कम पसंद करते हो तो कम भी डाली जा सकती है। कीमे को भी देख लेते हैं। मेरा मटन का कीमा है इसलिए मुझे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें कि जैसे आपका दूसरी तरह का मीट है तो आप इस पॉइंट पर जब पानी रिलीज़ हुआ है ना तो उसको थोड़ा स्लो करके कुक करने के लिए रख सकते हैं। प्याज़ों पे हम थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं 2 पिंच के आसपास, ताकि एक फ्लेवर भी आ जाए, और अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी छिड़क सकते हैं। इसका हम चूल्हा बंद करते हैं, ये काफ़ी अच्छी सी हो गई है, और रहने देते हैं इसको यहीं। देखिए यहाँ कीमा जो है हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए।
इसको हम बंद करते हैं और झटपट असेंबल करते हैं। तो ये कटे हुए बन होते हैं, अगर ना हो तो आप काट लें। ये स्लाइडर्स के छोटे छोटे बन होते हैं ना, वो होते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ रखते हैं और हमने जो सॉस बनाया था ना, वो सबसे पहले सॉस लगा लेते हैं। और ये बंस जो है वो मैंने अवन सेफ ट्रे में रखे हुए हैं और उसको स्प्रेड कर लेंगे केक नाइफ से या किसी से भी, ताकि फास्ट फास्ट हो जाए। आप समझे कि केक को डेकोरेट कर रहे हैं, बस इसी तरह से करना है। अब वो जो मैंने कहा था ना, मैं आपको बताऊंगी हॉट सॉस का क्या करना है। तो ये कुछ लोगों को स्पाइसी पसंद होता है, तो ये इस तरह से हम डाल देंगे ताकि पता चले कि भाई इनमें है। ये देखो यम, कैसा खतरनाक लग रहा है, अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। और अब डालेंगे कीमा, इसी तरह फैला देंगे। ये चला गया और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये चीज़, अमेरिकन चीज़, जो भी आपको चीज़ लेनी हो ले लें, और इस तरह से डाल देंगे। मैंने रैपर से निकाल के रखी है। चूँकि ये चीज़ बर्गर स्लाइडर्स है, इसलिए हम चीज़ ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन फील फ्री, आपको जितना भी डालना हो डालें, कम डालें, ज़्यादा डालें। चले अब इसके ऊपर डालेंगे सॉल्टेड अनियन, और अब इसके ऊपर हम चीज़ थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। ये मेरे पास 3 ब्लेंड है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेगनो छिड़केंगे। और अब इसके ढक्कन ढक देते हैं। दबा देते हैं थोड़ा सा। और यहाँ मेरे पास मेल्टेड बटर है, इसको माइक्रोवेव पे मैंने रख दिया था 25 सेकेंड्स। अगर आपके पास रूम टेम्परेचर हो तो इस तरह से भी डाला जा सकता है, लगा सकते हैं, मेल्ट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन देखिए 2 पाउंड कीबे में कितने ढेर सारे बन गए। और चीज़ फील फ्री, कम डालें, ज़्यादा डालें, बहुत बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा और मज़े का भी लगेगा, पार्टी के लिए भी बेस्ट है। और अब इसको थोड़ा डेकोरेटिव और प्रिटी बनाने के लिए हम इसके ऊपर तिल छिड़क देंगे। और अवन मेरा प्री हीट हो रहा है 350 फ़ारेनहाइट एंड 175 सेल्सियस के आसपास, तो इसको रखते हैं फॉर अराउंड 15 मिनट्स। हो गए, तो चले चीज़ बर्गर स्लाइडर्स को लेकर आते हैं। ये तो देखा कैसे झटपट हमारे चीज़ बर्गर स्लाइडर्स बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। परफेक्ट चीज़ बर्गर लग रहा है, वो भी बिना मेहनत के। एक एक जो बर्गर बनाते हैं, पैटी असेंबल करते हैं, ये लाइक 200% चीज़ बर्गर है। और ये बाइट आप लोगों के लिए। सॉल्टेड अनियन
कमाल धमाल लग रही है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से चीज़ी गुई। आप लोग जब बनाएंगे ना मज़ा आ जाएगा। और अगर जैसे पतीले में भी चाहें तो बना सकते हैं। और मैंने एक मतलब और स्लाइडर्स बनाए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक क्या देती हूँ। मैंने उसमें फ्राई पैन में भी बताया है कि किस तरह बनाया जा सकता है। तो चले जल्दी जाएँ, बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।